हम पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं पी अपॉन क्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आप सेवन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। इसमें क्या होता है आपका एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके नेचर पर जाएगी बात। यानी इसका नेचर इसके नेचर के जैसा होगा। देखो जैसे आप a प्लस बी कर रहे हैं, रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे 2 प्लस 3 कर रहे हैं या 2 इंटू माइनस 3 कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे यहां पर भी 2 आएगा तो यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर 1 होगा तो यहां पर 3 होगा। देखो 1 इक्वल टू 3 इक्वल तो नहीं हो सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कहा था मैंने, ऐसा नहीं, इसके नेचर पर जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ एल एच एस में 1 है, आर एच एस में 3 है, तो 1 3 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, ये नेचर एक ही है। ये भी है काउंटिंग नंबर है, ये भी काउंटिंग नंबर है, यानी ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, इसके नेचर पर जाएगा। तो 1 इक्वल टू 3 तो नहीं होगा, मैंने ऐसा कहा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस का नेचर आर एच एस के नेचर का जैसा होगा उसे हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी 1 क्या है आपकी काउंटिंग नंबर, 3 भी क्या है काउंटिंग नंबर। देखो यहां पर क्या है, 1 है यहां पर आ रहा है माइनस 1। देखो 1 और माइनस 1 इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों का नेचर क्या है सेम है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। और तीसरी है, ये दोनों एक जैसी है, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर सिस्टम होते हैं, यानी a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। चाहे हम a से b को मल्टीप्लाई करें या b से a को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर सिस्टम होता है, सपोज ए कॉमा बी और सी क्या है आपके एसोसिएटिव 3 नंबर सिस्टम है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू सी। अब देखो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों में क्या है, किस पर बात कर रहे हैं, दोनों ये ऑर्डर पर बात कर रहे हैं। ये दोनों का ऑर्डर देखो, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी इसकी वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होगी। ये क्या है, रेशनल नंबर की अदर प्रॉपर्टीज है, यानी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस इसमें देखो सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य है, एसोसिएटिव में 3 नंबर सिस्टम होता है, कॉम्यूटेटिव में 2, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वल आता है। तो दो प्रॉपर्टी ऑर्डर पर बेस्ड है। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी आपकी थी नेचर पर बेस्ड। थैंक यू।